हेलो एंड वेलकम टू फूड स्लाइड। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अ वेरी लो कार्ब डेजर्ट विच इज़ चॉकलेट एंड कोकोनट तिरामिसू। इसमें मैं क्या क्या डाल रहा हूँ क्वांटिटीज़ में आपको आके वीडियो में बताऊँगा। मैंने एक डबल बॉयलर तैयार किया है जिसके ऊपर मैंने कांच का बोल रखा है। इसमें मैं डाल रहा हूँ 40 ग्राम्स ऑफ वेगन डार्क चॉकलेट। जब तक कि चॉकलेट हमारी मेल्ट होती है, यहाँ पर हम अपनी क्रीम बना लेते हैं जो कि 40 ग्राम्स ऑफ कोकोनट मिल्क पाउडर एंड 40 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, नहीं तो इसमें लम्ब्स हो जाते हैं। एक बार आपको लगता है कि आपकी क्रीम अच्छे से बन चुकी है तो हम इसको साइड कर देंगे और वेट करेंगे चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करी जिसको बोलते हैं अगर, जो कि ईजिली अवेलेबल है अमेजोन में। इट इज़ यूज एज अ स्टेबलाइजर। यहाँ पे अगर को मैंने डाल दिया है। अगर को आप गर्म चीज़ में ही डालेंगे, ठंडी में नहीं डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, तब भी ये बन जाएगा। इसमें डाल दी है मैंने जो हमने क्रीम बनाई है, और ये क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी गनाश जो है वो अच्छे से पूरी मिक्स होकर तैयार ना हो जाए। एक दो मिनट तक मिक्स करने के बाद आपकी जो गनाश है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये हमारी गनाश अब बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम डाल देंगे फ्रिज में। अब जाते हैं पार्ट टू में। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा वनीला एसेंस। अब मैं इसको डालने के बाद इसको अच्छे से इसकी बीटिंग करूँगा जब तक हम एक रिबन कंसिस्टेंसी पर ना पहुँच जाएँ। यहाँ तक बीट करने के बाद अराउंड 5 मिनट्स आप यहाँ पर रिबन कंसिस्टेंसी पर पहुँच गए। इसको हम बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। एक बार आपका अंडा इस कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाए उसके बाद हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं जो कि होता है इसमें और फ्लेवर ऐड करना। मैंने यहाँ पे एक छोटा टीस्पून कोको पाउडर डाला है, और इसको डालने के बाद मैं इसमें मास्कारपोने चीज़ डाली जो कि 80 ग्राम्स। अब मैं इसको वेरी सॉफ्ट मिक्सिंग दूंगा, नहीं तो ये स्प्लिट हो जाता है। इसको मिक्स करने के बाद जब आपको लगता है आपका अच्छा से सब कुछ मिक्स हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है जो गनाश हमने बनाई थी। ये डालने के बाद हम इसको फिर से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करेंगे। वंस एवरीथिंग हैज़ बीन मिक्स टुगेदर, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, देन वी आर रेडी टू डिश इट आउट। ये मैंने इससे मेरी 7 छोटी छोटी बोल्स बनी थी जिसको मैं डेकोरेट कर रहा हूँ सब डार्क चॉकलेट से, वेगन सम वेगन वाइट चॉकलेट से, आलमंड से और पोमग्रेनेट से। इस पर सर्विंग में 2.5 ग्राम का है केवल, एंड देयर हैज बीन नो आर्टिफिशियल स्वीटनर व्हिच आई हैव यूज इन दिस रेसिपी। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी, और इट इज़ अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ मेकिंग अ डेजर्ट जिसको खा के आपको कोई भी गिल्ट फील नहीं होगा। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।